एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस प्लस का कर दिया था, 1 और 3 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे, 4 के लिए पार्ट रही है मल्टीप्लिकेटिव, 4 भी कर लिए पार्ट लास्ट का, फर्स्ट पार्ट कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसको हम ए कॉमा बी भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इनवर्स को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ये बराबर होगा। आगे आ जाए बेटा, बेटा आपको जो भी नई क्लास आए से ज्यादा खुशी होगी आपको बेटा, पहली बार आए थे ऐसी क्लास में, अगर आपको ज्यादा खुशी होगी क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बाहर बैठा दूंगा, क्लास में बैठना तभी से बैठ कर पड़े और बाहर चले जाए। a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square, ये formula use किया जाता है multiplication में inverse find out करने के लिए। question number 4 है, find the multiplication inverse of the following complex numbers। हमारे पास complex numbers दिए हुए हैं, multiplication inverse निकालना है। part 3 की पहले बात करेंगे, part 3 में कहा जा रहा है 10 comma 4 complex number is का multiplication inverse निकालना है। सबसे पहले काम तो मैंने इसको z के बराबर सपोज कर लिया, let z is equals to 10 comma 4। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे भाई सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर है a अपॉन a square plus b square के minus b upon a square plus b square। बेटा फॉर्मूले के लिए हमारे पास a जो है फर्स्ट वैल्यू, b जो है वो सेकंड वैल्यू है, कॉमा के साथ लिखी हुई है। बेटा e यहाँ पे 10 है, b यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा z inverse is equals to a upon a square plus b square, a की जगह आएगा 10, a square मतलब 10 का square, b square मतलब 4 का square, minus का b लिखा हुआ formula में तो minus के साथ 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a square plus b square मतलब 10 का square plus 4 का square। इसको simplify कर लेंगे, z inverse आ जाएगा 10 upon 100 plus 16 comma minus 4 upon 100 plus 16, इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 10 upon 116 minus 4 upon 116, कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 के टेबल से 2 5 से 10 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 से 16, यहाँ भी 2 58 आ गया, 2 1 से 2 2 to the 4 1 carry चला गया, 29 आ गया। z inverse की वैल्यू आ गई 5 upon 58 comma minus 1 upon 29, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका जो सेकंड मेथड है वो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक साथ बता रहा हूँ। 10 कॉमा 4 हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, हमें ये बात पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 10 रियल पार्ट है, 10 लिख दिया, ये जो कॉमा बीच में लगा हुआ है इसकी जगह आएगा प्लस की साइन, उसके साथ जो 4 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो 4 के साथ आएगा आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि ये हो जाएगा 10 plus 4 iota। अब बेटा
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कोई बातें के सेट के बराबर पहले सपोज कर लें, लेट जेड इज इक्वल्स टू 10.4, तो देयरफॉर जेड की वैल्यू हो जाएगी 10+4 iota। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1/z से। तो 1/z बेसिकली जेड इनवर्स कहा जाता है, 1/z का मतलब है कि 1 के नीचे z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो कि 10+4 iota है। तो नीचे यहाँ पर 10+4 iota लिखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे इसको कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10+4 iota का कॉन्जुगेट होगा 10-4 iota। तो बेटा ये z इनवर्स बराबर आएगा 1/10+4 iota। इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10-4 iota को, डिवाइड कराएंगे 10-4 iota को। ये ऊपर वाली वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा 10-4 iota। नीचे वाली जो दोनों वैल्यू थे ये प्रोडक्ट में आ जाएंगी, 10+4 iota इंटू 10-4 iota। बेटा नीचे जो दो वैल्यू का इनमें प्लस माइनस का फर्क है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है a-b × a+b बराबर है a² - b² के। तो बेटा यहाँ पे ये बन जाएगा z इनवर्स इक्वल्स टू ये 10-4 iota अपनी जगह पे रहेगा। ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होना है, इस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर फॉर्मूला बंद होगा यहाँ पर a² - b² का। बेटा a यहाँ पर 10 है, b यहाँ पर दूसरी वैल्यू है, क्योंकि सेकंड वैल्यू दोनों में है, b यहाँ पर 4 iota है दोनों में, तो ये b की जगह 4 iota आ जाएगा। z इनवर्स आएगा बेटा 10-4 iota / 10² 100, ये स्क्वायर 4 का है तो 4² 16, iota के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब iota स्क्वायर की वैल्यू रख के इसको मल्टी सिंपलीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लग रहा है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों। दूसरा जो मेथड अभी पूरा कंप्लीट करूंगा इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया करूँ, किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछ रहे। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऑर्डर किया मल्टीप्लाई डिवाइड जब कॉन्जुगेट किया इसको हमारे पास नीचे आ गया डिवाइड, हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है, जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा इसकी जगह माइनस वन रखेंगे, तो जेड इनवर्स बराबर आ रहा है 10-4 iota divided by 100-16 iota square। ये जो iota square यहाँ पर लिखा हुआ है इस iota square को मिटा देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का वन। तो बेटा ये बन जाएगा z inverse is equal to 10-4 iota माइनस माइनस प्लस 16, z inverse आ जाएगा 10-4 iota / 116। बेटा एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है कि 10 और माइनस का 4 आयोटा जो लिखा हुआ है दोनों के नीचे अलग अलग 116 लिख देंगे, अब कैंसिलेशन होगी, 2 5s are 10, 1 कैरी चला गया, 2 8s are 16, तो ये 5 और 158 आ गया, 2 2s are 4, 2 15s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी चला गया, 2 9s are 18। बेटा आपके पास z इनवर्स इस मेथड से आया 5/58 माइनस का 1/29 iota। बेटा इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब है कि दो ब्रैकेट्स लगा के बीच में कॉमा लगा दिया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहला नंबर रियल है, तो रियल क्या है 5
आयोटा लगा हुआ है। आयोटा अगर किसी नंबर के साथ लगा हुआ है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो माइनस का मतलब 29 इमेजिनरी पार्ट है। वही आंसर आ गया जो पिछले मेथड से आंसर आया था। तो अगले सवाल को आप लोग देख लें, एक साथ कॉपी करिएगा बेटा। पार्ट टू है, सब इधर देख लें, बड़े बड़े सारे काम छोड़ दें। पार्ट टू है एट आयोटा। एट आयोटा लिखा था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसको z के बराबर सपोज कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 8 आयोटा। लेट z इज इक्वल्स टू 8 आयोटा। बेटा हम यहां पर कह रहे हैं देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब है 1 / z, मतलब 1 / z की वैल्यू। बेटा z इनवर्स का मतलब है कि 1 / 8 आयोटा, क्योंकि z की वैल्यू 8 आयोटा है तो 1 के नीचे 8 आयोटा आएगा। अब ये बात समझ में सबको कि 1 के नीचे हमने 8 आयोटा लिख दिया। अब बेटा नीचे जो नंबर लिखा हुआ है डिवाइड में, ये नंबर कौन सा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है आयोटा वाला, सिंगल नंबर है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा इसको, इसको सिंपलीफाई अगर करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा आयोटा से। जब भी नीचे इमेजिनरी नंबर आ जाए, इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा वाला सिंगल नंबर आ जाए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे आयोटा से। तो ये याद कर लें कि जब नीचे इमेजिनरी नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा आयोटा से, जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा कॉन्जुगेट से। तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे आयोटा से। ये लिखा हुआ है 1/8 आयोटा। अब इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया आयोटा से, डिवाइड करा दिया आयोटा से। तो बेटा ये आ गया z इनवर्स इक्वल्स टू, बेटा ऊपर वाला नंबर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आ गया, नीचे 8 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया। बेटा नीचे जब भी आयोटा स्क्वायर कहीं भी मतलब आएगा तो उसकी जगह माइनस 1 हमें रखना है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 रख रहे हैं। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा z इनवर्स इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 8 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। ये आयोटा स्क्वायर मैंने यहां से मिटा दिया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया माइनस का वर्ग। तो z इनवर्स आ गया आयोटा अपॉन माइनस का 8। बेटा माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे एक ही बात है। तो ये माइनस आयोटा अपॉन 8 इसका आंसर आ गया। किसी को कोई बात नहीं समझ आई, कोई बात, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी है, बता दे भाई। तो a हमारे पास 12 है, b माइनस का 7 है, z इनवर्स बराबर आएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, ऊपर a लिखा हुआ है, जहां जहां ये लिखा है फॉर्मूले में ये हटा देंगे, ए की जगह 12 आ जाएगा। तो ये ऊपर भी 12 आ गया, नीचे ए का स्क्वायर था तो 12 का स्क्वायर हो गया। सवाल में जहां जहां बी लिखा हुआ है वहां पर माइनस का 7 आ जाएगा। ऊपर बेटा यहां पर बी की जगह माइनस 7, नीचे बी का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का, कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह 12 आएगा, b की जगह माइनस 7 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये आ गया 12। बेटा नीचे 12 का स्क्वायर है 144 होता है, 7
माइनस सेवन का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस सेवन, माइनस सॉरी 12 का जो स्क्वायर है 144, माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, सेवन का स्क्वायर 49, जेड इनवर्स आ जाएगा 12 अपॉन 12 अपॉन 193 कॉमा 7 अपॉन 193, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको कॉपी करने के बाद इसका पार्ट 5 में माइनस 8.0 याद करेंगे अभी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सब लोग। 6 में कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। Z1, Z2 की वैल्यू भी दी हुई है सवाल में, बाकी पार्ट्स के लिए दी हुई है। बेटा हमें यहाँ पर ये वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ Z। क्लास में काफी सारे नए बच्चे हैं जो 9th क्लास के अंदर पढ़कर आ रहे हैं ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ Z होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जो ए लेवल वाले बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ लेवल वाले, तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बी क्या है भाई, जेड है 4 माइनस 3 आयोटा। बेटा रियल पार्ट ए होता है, पहला नंबर ए है मतलब 4 जो है वो ए के बराबर है। इमेजिनरी पार्ट बी कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा जिस नंबर के साथ लगा हुआ है वो आयोटा के साथ लगा हुआ है, आयोटा को छोड़ के जो नंबर लिखा हुआ है ये बी कहलाएगा। आयोटा को छोड़ के जो नंबर है वो बी होगा हमेशा। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास माइनस का 3 है। तो बेटा ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आ गया अंडर रूट ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आएगा बेटा 16 प्लस 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आ गया 25 और ये आ गया प्लस का 5। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां पर 25 का स्क्वायर रूट निकाला जो कि 5 के इक्वल आ गया। अब बेटा इसका दूसरा हिस्सा जो वेरीफाई हमें करना है बेसिकली, अब हमें आगे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जेड। माइनस जेड का मैग्नीट्यूड निकालना है। माइनस जेड से मतलब क्या है कि जेड का एडिटिव इनवर्स, जेड बराबर है बेटा 4 माइनस 3 आयोटा के, तो माइनस जेड किसके बराबर होगा, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स का मतलब है माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो जेड 4 माइनस 3 आयोटा का, तो माइनस जेड क्या होगा, दोनों की साइन हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए और बी चाहिए। ए क्या है, जो पहला नंबर है मतलब ए यहाँ पर है माइनस का 4, बी यहाँ पर आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3। अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जेड, क्योंकि माइनस जेड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए हटाएंगे, ए की जगह आ जाएगा माइनस का 4, ए का स्क्वायर है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। बेटा बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, बी हटा देंगे, बी की जगह आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बराबर अंडर रूट 25। बेटा 25 का स्क्वायर रूट निकाला, 5 के इक्वल आ गया। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। फिर कह रहे हैं जेड बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। जेड बार का मतलब है, जेड बार कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड को। बेटा
बेटा दोबारा से z की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, हमें पता है z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, therefore z बार किसके बराबर होगा, कॉन्जुगेट लिखना है z बार का मतलब बीच वाली साइन चेंज रहेगी, 4 प्लस 3 आयोटा होगा। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a बराबर होगा पहली वैल्यू के 4, b बराबर होगा आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3। इसको भी फॉर्मूले में रख दिया बेटा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बेटा ये 16 और 9 ऐड हो गए 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब लास्ट वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो यहां पर इसके लिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड पहले लिख देंगे, पीछे हम निकाल चुके हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो उसी की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड की वैल्यू है, इसको हम यहां कंसीडर करेंगे। हमने यहां लिख दिया भाई सेंस z बार बराबर है 4 प्लस 3 आयोटा के, देयरफॉर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, माइनस का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, मतलब दोनों की साइन चेंज होगी, माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा। यहां पर a बराबर है माइनस 4 के, b बराबर है माइनस 3 के, इसको भी हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ मोड ऑफ z बराबर है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा ये रिजल्ट बराबर आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का, और इसका स्क्वायर 9 आ गया, अंडर रूट 25 आएगा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड बराबर आ गया 5 के। सवाल में यही कहा जा रहा था कि वेरीफाई करना है कि इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो तीनों का जो रिजल्ट आया है वो बराबर आ गया है, तो ये वेरीफाई हो गया।